हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, पहली वाली वीडियो में हमने क्या किया था, रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी. आज हम इरिवर्सिबल देखेंगे. ओके, इरिवर्सिबल में क्या होता है, हमने कल देखा था इरिवर्सिबल कब हो सकता है, जब आपके साथ फेस तो चेंज हो ही रहा है बट फेस चेंज के साथ साथ क्या हो रहा है, टी एंड पी भी चेंज हो रहे हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या फिर T does not correspond to P है. हमने कल केस देखे ही थे ना कि अगर आपके पास T और P सेम रहते हैं एंड T corresponds to P रहता है तो क्या होता है, तो हमारे पास रिवर्सिबल चेंज होता है. बट अगर आपके पास इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मीन्स वो कौन सा केस बन जाता है, इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो वीडियो देखते देखते अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. ओके, सो अब देखो, अब हम कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन. सो आप कोई भी एग्जांपल ले लो इरिवर्सिबल की. हम इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम एंट्रोपी चेंज देखना चाहते हैं तो हम कैसे देखेंगे, हम उस इरिवर्सिबल को वेरियस रिवर्सिबल में चेंज करेंगे. ओके, उस इरिवर्सिबल तो हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका हमने पता करना है एंट्रोपी चेंज. उस इरिवर्सिबल को हम किस में डिवाइड कर लेंगे, वेरियस रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशंस में डिवाइड कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात कर रहे हैं आपके पास है कि आप वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में जा रहे हो. ओके, वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में जा रहे हो और आपको दिया हुआ है कि जो आपके पास टेम्परेचर है वो आपके पास 263 केल्विन से आप जा रहे हो 300 केल्विन, सपोज यहाँ पे जा रहे हो आप. ओके, एट प्रेशर 1 एटमोसफियर एंड 1 एटमोसफियर. ये हमें पता है कि ये क्या है, आपके पास ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, इरिवर्सिबल है. इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये आपके पास फेस चेंज होने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो रहा है. पहली बात तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. ओके, सेकंड बात क्या है कि जो आप 1 एटमोसफियर प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नहीं है, वो तो हम तभी देखेंगे अगर टेम्परेचर सेम भी हो, यहाँ पे जो टेम्परेचर ही सेम नहीं है. ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे, कि हमने करना है इसको इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, हमने इसका एंट्रोपी चेंज निकालना है. हम क्या करेंगे, इसको वेरियस रिवर्सिबल में चेंज कर लेंगे. वेरियस रिवर्सिबल में देखो कैसे चेंज करेंगे. पहले हम लिखेंगे कि वाटर सॉलिड से, हमने वाटर सॉलिड में ही जाना है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर हो जाए, मेल्टिंग वाला टेम्परेचर हो जाए, सो दैट हम 263 केल्विन से 263 केल्विन ही जाएंगे. ओके, 263 केल्विन से हम 263 केल्विन पर ही जाएंगे, सॉरी 263 केल्विन से हम 273 केल्विन पर चले जाएंगे. ओके, हमने हमारा जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कितना होता है, 273 केल्विन. ओके, सो अब देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है, 1 एटमोसफियर, यहाँ पे भी प्रेशर कितना है, 1 एटमोसफियर. ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप. ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वाटर सॉलिड से, वाटर सॉलिड एट 273 केल्विन से वाटर लिक्विड एट 273 केल्विन. ये भी कौन सी प्रोसेस है, ये भी रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल क्यों है, यस रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 एटमोसफियर के साथ ही हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 एटमोसफियर है, 273 केल्विन है एंड आपके पास क्या है, फेस चेंज हो रहा है. ये कौन सा प्रोसेस है जो हमने कल ही किया था, ये कौन सा प्रोसेस है जो हमने कल से पहले वाली वीडियो में किया था, जिसमें हमने किया था एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन. रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, हम सॉलिड ही जा रहे थे बट टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रहा है. फेस सेम है बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है. यहाँ पे क्या है, फेस चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है. अब देखो, अब हमने वाटर लिक्विड एट 300 केल्विन तक पहुँचना है. सो वाटर लिक्विड एट 273 केल्विन से हम चले गए वाटर लिक्विड एट 300 केल्विन. ये तीन स्टेप्स में हमारा क्या होगा, प्रोसेस होगा. हमने पहले ये भी रिवर्सिबल है. ये इरिवर्सिबल थी, हमने H2O सॉलिड 263 केल्विन 1 एटमोसफियर, ये रहा आपके पास H2O सॉलिड 263 केल्विन एंड 1 एटमोसफियर से हमने कहाँ पे जाना है, वाटर लिक्विड 300 केल्विन 1 एटमोसफियर, वाटर लिक्विड 300 केल्विन 1 एटमोसफियर, हमने यहाँ तक जाना है. ओके, सो अब देखो, हम यहाँ से लेके यहाँ तक चले गए, तीन स्टेप्स में चले गए. ये तीनों के तीनों क्या हैं, रिवर्सिबल हैं. ये हमने पहले कर रखे हैं इन तीनों के. अगर हमने इन तीनों का एंट्रोपी चेंज निकालने तो वो कैसे निकालेंगे, अगर हम फर्स्ट स्टेप का देखें जिसको हमने डेल्टा S1 डिनोट कर लिया, तो डेल्टा S1 किसके इक्वल हुआ, डेल्टा S1 किसके इक्वल है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ही है. सो हम क्या लिखेंगे, NCP T2 upon T1 minus
एन आर लॉन पी टू अपॉन पी वन। प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है 1 एटमोसफियर, सो ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी। हमारे पास क्या आ गया, एन सी पी टी टू अपॉन टी वन, एन सी पी लॉन टी टू अपॉन टी वन। ओके, सो आपको टेम्परेचर टी टू पता है, टी वन पता है, जो सी पी होगा वाटर का सोलिड का वो आपको पता होगा। ओके, अब देखो जो ये है यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। ये वाला केस हमने कल ही किया है। ओके, फेज चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तब हमारे पास जो डेल्टा एस टू होता है वो किसके इक्वल होता है, ये हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, सो हम कोई ना कोई इसको डेल्टा एच प्रोवाइड करेंगे। ओके, हीट ऑफ फ्यूजन प्रोवाइड करेंगे, सो वो क्या होता है आपके पास डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा एच क्या है, जितनी हीट आप दे रहे हो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, एंड टी क्या है, जितने टेम्परेचर पे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। ओके, टी क्या है आपके पास 273, एंड डेल्टा एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। सिमिलरली डेल्टा एस थ्री अगर हम बात करें डेल्टा एस थ्री की, तो डेल्टा एस थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस थ्री किसके इक्वल है, डेल्टा एस थ्री भी सेम ही है जैसे ये वाला है, लिक्विड से लिक्विड फेज सेम है बट टेम्परेचर अलग है। सो हम यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, एन सी पी लॉन ऑफ टी टू अपॉन टी वन। प्रेशर तो सेम ही है, सो आपके पास क्या आ गया, 1 एटमोसफियर एंड 1 एटमोसफियर, प्रेशर सेम है, वो वाली दूसरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, एन सी पी लॉन ऑफ टी टू अपॉन टी वन। आपको सी पी लिक्विड स्टेट का दिया होगा, लिक्विड वाटर का सी पी दिया होगा, एंड टी टू एंड टी वन की वैल्यू आपको पता है, टी टू की वैल्यू 300 केल्विन, टी वन की वैल्यू 273 केल्विन। सो आप यहाँ से एस थ्री निकाल सकते हो। सो अगर आपने टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो डेल्टा एस किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री। ओके, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री, आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एस। ओके, अगर आपने निकालना है डेल्टा एच निकालना है एंड डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये जो आप दोनों निकालोगे डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये हम क्वेश्चंस में ही देखेंगे कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैसे निकालना है। आप पहले देखो कि डेल्टा एस कैसे निकालना है, डेल्टा एस आप क्या करोगे, जो भी आपको इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, जो भी इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप वेरियस रिवर्सिबल में चेंज कर लोगे। ओके, आपको पता होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सपोज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, आपके पास एग्जाम्पल है, सपोज हम जा रहे हैं वाटर लिक्विड से वाटर वेपर की स्टेट में जा रहे हैं। चलो आप ले लो वाटर सॉलिड से हम वाटर गैस में जा रहे हैं, इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। वाटर सॉलिड से वाटर गैस में जा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो टी है, यहाँ पे टेम्परेचर टी डैश है। ओके, यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर है वो 1 एटमोसफियर है, यहाँ पे प्रेशर क्या है 1 एटमोसफियर। ओके, आपने अब H2O सॉलिड से H2O गैस में जाना है, ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमने इसको किस में चेंज करना है, रिवर्सिबल प्रोसेस, वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेसेस में चेंज करना है, फिर हम उससे नेट जो एंट्रोपी चेंज है वो निकाल लेंगे। ओके, सो अब देखो हमने वाटर सॉलिड से, पहले तो हम वाटर सॉलिड से वाटर सॉलिड तक ही जाएंगे, कहाँ तक, वाटर सॉलिड तक। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है टी, और हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक। ओके, हम वाटर के मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे कि क्या आ गया वो टेम्परेचर टी, टी एम, यहाँ पे 1 एटमोसफियर प्रेशर है, यहाँ पे 1 एटमोसफियर प्रेशर है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप वाटर सॉलिड को टी एम टेम्परेचर से कहाँ पे लेके जाओगे, वाटर सॉलिड में ही लेके जाओगे, वाटर लिक्विड में लेके जाओगे एट टेम्परेचर टी एम। ओके, एट प्रेशर 1 एटमोसफियर एंड एट प्रेशर 1 एटमोसफियर। ये कौन सा हो गया कि फेज चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, जो हमने कल किया था। ये कौन सा हो गया कि आपके पास फेज तो सेम है, फेज सेम है, यहाँ पे फेज सेम है बट टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। ये कौन सा केस हो गया, ओनली रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये कौन सा है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ओके, सो अब अगर हम थर्ड स्टेप देखें, तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, हम वाटर लिक्विड को टी एम 1 एटमोसफियर से कहाँ पर लेके जाएंगे, वाटर लिक्विड इसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे 1 एटमोसफियर। ओके, हम टी एम से टी बी गए, फिर देखो अब हम वाटर लिक्विड टी बी से, वाटर लिक्विड टी बी से कहाँ जाएंगे, वाटर वेपर टी बी तक। फिर हम वाटर वेपर टी बी से कहाँ पे जाएंगे, जो टेम्परेचर हमें चाहिए टी डैश, हमें यही चाहिए ना, वाटर गैस टी डैश टेम्परेचर चाहिए, वाटर वेपर टी डैश टेम्परेचर आ गया हमारे पास। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। ये आपके पास 1 एटमोसफियर प्रेशर ही है सारी। ओके, जो आपके पास प्रेशर है वो 1 एटमोसफियर ही है। सो अब आप देखो यहाँ से आपके पास 5 प्रोसेसेस बन गई, 5 कौन सी प्रोसेसेस बन गई, रिवर्सिबल प्रोसेसेस बन गई। ओके, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो एंट्रोपी चेंज कितना है।
अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ से अगर आप डेल्टा एस निकालोगे तो डेल्टा एस यहाँ से कितना आ जाएगा, टेम्परेचर अलग अलग है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एन सी पी लॉन ऑफ टी एम अपॉन टी। यहाँ पे डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच एम डिवाइडेड बाई टी एम। एच एम क्या है, मेल्टिंग के लिए जो भी आपके पास एंथैल्पी चेंज आएगा, ओके, जो भी आपको हीट चाहिए होगी मेल्टिंग के लिए। नेक्स्ट है आपके पास डेल्टा एस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉन ऑफ टी बी अपॉन टी एम। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाई टी बी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉन ऑफ टी डैश अपॉन टी बी। ये आपके पास पांच डेल्टा एस आ गए। अगर आपने नेट डेल्टा एस देखना है तो आप पांचों के पांचों डेल्टा एस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ओके। सो ये सारा प्रोसेस होता है, मींस ये तो सारा, इसमें तो सारा कुछ ही हो गया ना। आपको वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप सॉलिड से वेपर तक जाना पड़े आपको, आपको या तो लिक्विड से वेपर तक का आएगा, मींस तीन स्टेप्स का ही आएगा जिसमें तीन रिवर्सिबल प्रोसेसेस आपको बनानी पड़ेंगी, या फिर आपको सॉलिड से लिक्विड तक का आएगा। सॉलिड से गैस तक का काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन, सॉलिड से गैस तक का काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज इसमें आपको पांच प्रोसेसेस देखनी पड़ेंगी, ओके। सो अब हम देखते हैं कि ये जो एस वर्सेस टी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। यस, अगर हम एस वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करें, एस वर्सेस टी ग्राफ में क्या होगा, एस वर्सेस टी ग्राफ में अगर आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहली बात तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैस में चेंज होगा, ये तो हमें पता ही है। और जो एंट्रोपी है वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज करती जाएगी, एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी क्योंकि लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, गैस की उससे भी ज़्यादा होती है, सो एंट्रोपी तो इंक्रीज ही करेगी। अगर हम स्टेप वाइज देखें, तो जो इस स्टेप की एंट्रोपी होगी, यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर के साथ टीएम है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इस प्रोसेस का कांस्टेंट है, इस प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट, बट एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना, एंट्रोपी तो बढ़ेगी क्योंकि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, एंट्रोपी तो बढ़ेगी लेकिन टेम्परेचर क्या है, सेम ही रहेगा। सो अब आप देखो, अगर आप यहाँ से चल रहे हो, सपोज यहाँ से चल रहे हो, यहाँ से एंट्रोपी क्या है, बढ़ रही है, फिर एंट्रोपी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, ओके, फिर क्या है, फिर एंट्रोपी बढ़ रही है। ये आपके पास फर्स्ट प्रोसेस है, ये आपके पास सेकेंड प्रोसेस है, ये आपके पास थर्ड प्रोसेस है, ये फोर्थ प्रोसेस है एंड ये फिफ्थ प्रोसेस है। इसमें देखो हुआ क्या है, एंट्रोपी तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आपके पास हो क्या रहा है कि जो सेकंड प्रोसेस है एंड फोर्थ प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर क्या है, सेम रह रहा है, क्योंकि फोर्थ जो आपके पास सेकंड प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर टी एम है एंड जो फोर्थ प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर टी बी है। सो वहाँ पर हमने टेम्परेचर को सेम रखा है, यहाँ पर टेम्परेचर टी एम है, यहाँ पे टेम्परेचर टी बी है, ओके। सो जो एंट्रोपी है वो तो बढ़ती ही जाएगी। इस ग्राफ को हम बोलते हैं लैडर टाइप ग्राफ, सो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अगर हमें सॉलिड से गैस पे जाना है तो जो एस वर्सेस टी ग्राफ होता है वो कौन सी शेप का होता है, लैडर टाइप ग्राफ होता है, लैडर शेप का ग्राफ होता है, ओके। सो अब देखो, ये जो आपके पास डेल्टा एच है, सेकेंड स्टेप का है एंड डेल्टा एस फोर्थ स्टेप का है, कौन सा ज़्यादा होगा, डेल्टा एस एक तो आपके पास सेकेंड स्टेप का है, एक आपके पास डेल्टा एस फोर्थ स्टेप का है, कौन सा ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली फोर्थ स्टेप का ज़्यादा होगा, डेल्टा एस फोर्थ स्टेप का ज़्यादा होगा। फोर्थ स्टेप का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप लिक्विड से वेपर जाते हो, तब उसके लिए जो डेल्टा एच वी होती है वो ज़्यादा होती है, ओके। जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके। सो आपके पास क्या होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज ज़्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि जो आपके पास गैस का वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एच किसके इक्वल होता है, एच इज़ इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर आप डेल्टा एच निकालो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ओके, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू क्या है, जीरो है, क्योंकि आपके पास क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर तो टी बी ही है, पी वी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, सो डी पी वाली टर्म भी जीरो होगी। जो डेल्टा एच है वो किसके इक्वल आ गया, पी डेल्टा वी के। डेल्टा वी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है ना, सो डेल्टा एच भी इस स्टेप का ज़्यादा होता है। सो आपसे अगर पूछा जाए कि जो आपके पास डेल्टा एस होती है वो इस स्टेप का ज़्यादा होता है जब हम लिक्विड से वेपर में जाते हैं इन कंपैरिजन टू जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास डेल्टा एस होता है जब हम लिक्विड से वेपर में जाते हैं वो ज़्यादा होता है डेल्टा एस इन गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड,
ओके, जो आपके पास डेल्टा एस होता है लिक्विड से वेपर का, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डेल्टा एस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये बात प्लीज़, ये सारे स्टेप्स आपको मीन्स ये इसमें कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी प्रोसेस करनी है पहले अगर आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो पहले उस टेम्परेचर को उसके मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेके जाइए। पहले उसके टेम्परेचर को, जिस भी टेम्परेचर से आपने प्रोसेस स्टार्ट करनी है उसको मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेके जाइए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं 3 प्रोसेसेस बनेंगी, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को वेपर में चेंज करना है 3 प्रोसेसेस बनेंगी, अगर आपको सॉलिड को वेपर में चेंज करना है तो 5 प्रोसेसेस बनेंगी। ओके, अगर आपको लिक्विड को वेपर में चेंज करना है तो जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर को आप उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेके जाइए, और फिर वहाँ से आप जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है जहाँ पे जाके आपने प्रोसेस को स्टॉप करना है उस टेम्परेचर तक लेके जाइए। ओके, बॉइलिंग जो जब आप लिक्विड से वेपर जाओगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर काम आएगा, जब आप सॉलिड से लिक्विड जाओगे तब आपके पास मेल्टिंग टेम्परेचर काम आएगा। ओके, जो आपके पास डेल्टा यू एंड डेल्टा एस की ये दो वैल्यूज़ हैं, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच जो निकालना है पूरी होल प्रोसेस का, वो हम क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे। सो डेल्टा एस मैंने आपको निकालना बता दिया, डेल्टा एस आप क्या करोगे, सारे के सारे रिवर्सिबल के लिए निकाल लोगे, फिर उनका सम कर दोगे, वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो आपके पास डेल्टा एस आ जाएगा, जो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच है वो हम अभी क्वेश्चंस में देख रहे हैं। ओके, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के जरिए बता दो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आपको रिवर्सिबल का आ गया तो इरिवर्सिबल में तो बस कुछ भी नहीं करना, इरिवर्सिबल को आपने रिवर्सिबल में चेंज करना है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस ही लिखे हैं, बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, बट इनका जो मेथड है वो सेम ही है सभी का। सभी में आपको या तो सॉलिड से लिक्विड जाना होगा या फिर लिक्विड से वेपर जाना होगा, सभी का मेथड सेम है और सभी क्वेश्चंस मोस्टली वाटर पे ही आए हुए हैं। ओके, एक आधा क्वेश्चन किसी और पे भी आया होगा, उसके साथ उसको आपका मेल्टिंग टेम्परेचर एंड बॉइलिंग टेम्परेचर मैंशन होगा। ओके, सो अब हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपने आयोडीन सॉलिड से आयोडीन लिक्विड में जाना है, आयोडीन सॉलिड से आयोडीन लिक्विड में जाना है, आपको टेम्परेचर 360 केल्विन से 410 केल्विन जाना है, और आपको सारा कुछ दिया हुआ है, टीएम दिया हुआ है, डेल्टा एचएम दिया हुआ है, सीपी सॉलिड का दिया हुआ है, सीपी लिक्विड का दिया हुआ है। अब देखो हमने करना क्या है, आपने क्या करना है, पहले टीएम आपको 387 केल्विन दिया हुआ है, सो आपने पहले सॉलिड को टीएम तक लेके जाना है, सॉलिड वाले टेम्परेचर को पहले आपने टीएम तक लेके जाना है। सो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, आई टू सॉलिड से हम आई टू सॉलिड ही जाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर हमें कितना मेंशन है, 360 केल्विन, हम इसके टीएम तक जाएंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर तक जाएंगे, वो कितना दिया हुआ है आपको 387 केल्विन, हम यहाँ तक चले गए। ये कौन सा प्रोसेस बन गया, अब रिवर्सिबल बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो फेज है वो सेम रह रहा है बट टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल। सेकंड स्टेप देखो क्या होगा, हम जाएंगे आई टू सॉलिड से आई टू लिक्विड, बट किस टेम्परेचर पे जाएंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर पे ही जाएंगे, 387 केल्विन पे ही। ओके, सो ये भी क्यों कौन सा हो गया, रिवर्सिबल हो गया, फेस चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्रेशर सारी प्रोसेसेस में कॉन्स्टेंट है, इन्होंने बोला हुआ है ये जो प्रोसेस है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ही किया गया है। थर्ड स्टेप देखो, हम आई टू लिक्विड ही जाएंगे, बट टेम्परेचर क्या हो जाएगा चेंज, 387 केल्विन से हम 410 केल्विन चले जाएंगे। ओके, सो अब यहाँ पे देखो क्या लगेगा, डेल्टा एस वन अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, एन सी पी लॉन टी टू अपॉन टी वन मीन्स 387 डिवाइडेड बाई 360। ओके, जो नेक्स्ट टर्म है वो तो कैंसिल ही हो जाएगी, वो तो जीरो ही बन जाएगी ना, क्योंकि पी वन एंड पी टू तो सेम ही है। सो अब देखो एन सी पी आपने 1 मोल ही लेना है। ओके, सी पी यहाँ पे सॉलिड का यूज़ करना है आपने, सो सॉलिड का सी पी आपको कितना दे हुआ है, 54.44 लॉन ऑफ 387 डिवाइडेड बाई 360, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एस वन। अगर आप डेल्टा एस टू निकालोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, डेल्टा एस टू किसके इक्वल होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है मींस आप कितनी हीट दे रहे हो, डेल्टा एच एम हीट दे रहे हो, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एच एम डिवाइडेड बाई टी एम। ओके, डेल्टा एच एम आपको कितना गिवन है, 7870 डिवाइडेड बाई टी एम कितना है, 387, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एस टू। अब आपने डेल्टा एस थ्री निकालना है, डेल्टा एस थ्री किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे क्या है, लिक्विड से लिक्विड ही जा रहे हो, सो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एन सी पी लॉन
T2/T1, यहाँ पे आपके पास जो मोल है वो तो मान ही है, जो सी पी है लिक्विड की सी पी आपको कितनी दी हुई है 80.67 ओके इंटू लॉन ऑफ T2 अब कितना है 410 डिवाइडेड बाई T1 कितना है 387। सो यहाँ से आपके पास डेल्टा S1 आ जाएगा, डेल्टा S2 आ जाएगा एंड डेल्टा S3 आ जाएगा। सो अगर आपने टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, इन तीनों को आप ऐड कर दोगे वो आपके पास टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा जब आपने आयोडीन सॉलिड को आयोडीन लिक्विड में चेंज किया है। ये कौन सी प्रोसेस थी, इरिवर्सिबल। हमने इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को 3 रिवर्सिबल स्टेप्स में चेंज कर लिया, ओके फिर उन 3 प्रोसेसेस का हमने डेल्टा S निकाला, उन तीनों को ऐड कर दिया, वो आपके पास नेट एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। ओके अब हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन में आपको डेल्टा U भी निकालना है, डेल्टा H भी निकालना है, डेल्टा S भी निकालना है। ओके मैंने आपको बोला था ये दोनों मैं क्वेश्चंस में ही करवाऊंगी, डेल्टा U एंड डेल्टा H। डेल्टा S तो हमने देख लिया कैसे निकालना है। सो अब देखो हमने वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में जाना है, 300 केल्विन से 600 केल्विन तक जाना है। सो ये कौन सी प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल होगी, क्योंकि फेज भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ये कौन सी प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले हम वाटर लिक्विड से वाटर लिक्विड तक ही जाएंगे, ओके यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, कहाँ तक जाएंगे 373 केल्विन तक जाएंगे, क्योंकि ये क्या है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, ओके बॉइलिंग टेम्परेचर है। फिर हम वाटर लिक्विड से वाटर वेपर जाएंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे 370 टेम्परेचर सेम रखेंगे क्योंकि हम क्या है फेज चेंज कर रहे हैं, एक ही चीज़ चेंज करनी है आपने, बेशक आप टेम्परेचर चेंज कर लो बेशक आप फेस चेंज कर लो, जब आप फेस चेंज करोगे तो टेम्परेचर सेम रखोगे, जब आप फेस सेम रखोगे तो टेम्परेचर चेंज करोगे। ओके सो अब देखो अब हम जाएंगे वाटर वेपर से वाटर वेपर तक 373 केल्विन से कितने तक जाना है हमें 600 केल्विन तक जाना है। सो यहाँ से आप डेल्टा S तो ईजिली निकाल ही सकते हो, डेल्टा S किसके इक्वल होता है हमें पता ही है, सी पी लॉन T2/T1 मीन्स सी पी कितना दिया हुआ है, लिक्विड स्टेट का आपको सी पी दिया हुआ है 36 लॉन 373 डिवाइडेड बाई 300। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा S1 है, ये डेल्टा S2 है, डेल्टा S2 कितना आ जाएगा, डेल्टा HV डिवाइडेड बाई TB कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा HV कितना दिया हुआ है 40600 डिवाइडेड बाई TB कितना है 373। सो डेल्टा S3 कितना आ गया आपके पास, सी पी लॉन T2/T1 मीन्स सी पी वेपर शेड का कितना दिया हुआ है 35 इंटू लॉन 600 डिवाइडेड बाई 373। ओके यहाँ से आप डेल्टा S1 डेल्टा S2 एंड डेल्टा S3 निकाल सकते हो। अब देखो अगर आपने डेल्टा H निकालना है, डेल्टा H निकालना है एंड डेल्टा U निकालना है, डेल्टा H किसके इक्वल होगा, यहाँ पे तो आपको सेकंड स्टेप के लिए तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आपको सेकंड स्टेप के लिए तो डेल्टा H ऑलरेडी मेंशन ही है, आपको फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप का डेल्टा H ही निकालना है। ओके सो फर्स्ट स्टेप का जो डेल्टा H है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H किसके इक्वल होता है CPDT के, डेल्टा H किसके इक्वल होता है CPDT के इक्वल होता है, ये हमें पता ही है। सो आपको लिक्विड स्टेट का CP पता है कितना दिया हुआ है 36, DT कितना हो गया 373 माइनस 300, यहाँ से आप डेल्टा H1 निकाल सकते हो, डेल्टा H3 कितना हो गया, सी पी यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है 35 इंटू DT कितना हो गया 600 माइनस 373 केल्विन। ओके सो यहाँ से आपके पास डेल्टा H1 भी आ जाएगा, डेल्टा H2 भी आ जाएगा, डेल्टा H2 आपको दिया ही हुआ है, डेल्टा H3 भी आ जाएगा। सो आप तीनों को ऐड कर दोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल डेल्टा H टोटल इंथैल्पी चेंज आ जाएगा इस इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके सो डेल्टा H का आपको पता लग गया ना, डेल्टा H तो सिंपल हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि डेल्टा H किसके इक्वल होता है CPDT के इक्वल ही होता है। ओके अब हम देख रहे हैं डेल्टा U, अब हमने निकालना है डेल्टा U। सो मैं इसको रब कर रही हूँ डेल्टा S वाली टर्म को, हमने डेल्टा U निकालना है, डेल्टा U निकालने के लिए हमें पता है जो डेल्टा U होता है वो किसके इक्वल होता है CVDT के, डेल्टा U CVDT के इक्वल होता है, बट इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड आपको पता होना चाहिए, कईयों को पता भी होगा कि इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जो आपके पास CP होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CPS, जो आपके पास CP होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CV होती है। ओके CP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CV। सो आप देख सकते हो कि जो आपके पास डेल्टा U इज इक्वल टू CVDT है फर्स्ट स्टेप में, मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रही हूँ, पहले हम फर्स्ट स्टेप के लिए देख रहे हैं डेल्टा U कितना होगा। सो डेल्टा U1
इज इक्वल टू सी वी एल डी टी. ओके, सो सी वी एल इज इक्वल टू सी पी एल, क्योंकि हमने देखा सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में जो सी पी एंड सी वी की वैल्यू होती है वो सेम होती है. सो हम सी वी एल को सी पी एल भी लिख सकते हैं, मीन्स हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एट लिक्विड. ओके, सो अब देखो सी पी एल डी टी किसके इक्वल है, डेल्टा एच वन के. सो मीन्स फर्स्ट स्टेप के लिए जो आपका डेल्टा यू वन है वो डेल्टा एच वन के इक्वल ही है. जितना आपके पास डेल्टा एच वन आया है उतना ही आपके पास डेल्टा यू वन होगा फॉर फर्स्ट स्टेप. अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप के लिए क्या होगा एंड थर्ड स्टेप के लिए क्या होगा. थर्ड स्टेप के लिए तो हमें पता ही है, थर्ड स्टेप के लिए सपोज आपको ये क्या है, गैस है, वेपर स्टेट है. ओके, अगर हम थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, डेल्टा यू थ्री इज इक्वल टू सी वी डी टी होते हैं. ओके, अब हमने वेपर स्टेट का देखना है. अगर आपको वेपर स्टेट का सी पी पता है तो आप सी वी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल होते हैं, आर के. क्योंकि गैसीय स्टेट के लिए तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है ना, तो आप यहाँ से तो निकाल ही सकते हो सी वी की वैल्यू. सी वी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, डी टी आपको पता ही है, वो आपके पास डेल्टा यू थ्री आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेपर है, ओनली वेपर से वेपर ही जा रहे हो आप, वेपर से वेपर ही जा रहे हो. सो डेल्टा यू थ्री निकालने के लिए आपको सी वी की जरूरत पड़ेगी. सी वी आप सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर से निकाल सकते हो. अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप के लिए क्या होगा. सेकेंड स्टेप के लिए जो डेल्टा यू है वो क्या होगा. ओके, अगर हम देखें जो आपके पास एच होते हैं, एच किसके इक्वल होते हैं, यू प्लस पी वी के. ओके, सो अगर हम डेल्टा एच लिखें तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ओके, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. अब देखो आप कि ये जो पी डेल्टा वी है, पी डेल्टा वी है, डेल्टा वी किसके इक्वल है, वी वी वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेपर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, हमें पता है गैसीय स्टेट का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. सो हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं और हम इसको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेपर ही लिख सकते हैं. और ये जो वॉल्यूम ऑफ वेपर है पी वी किसके इक्वल होता है, आर टी के इक्वल होता है. पी वी इज इक्वल टू आर टी ही होता है. सो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी. और आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर टी. ओके, डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, सो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एच माइनस आर टी. सो आपके पास यहाँ से डेल्टा एच तो आपको दिया ही होगा, डेल्टा एच तो आपको पता ही होगा ना, डेल्टा एच आपको पता है. सो आप वहाँ से डेल्टा यू निकाल सकते हो, उसमें से माइनस आर टी कर देना. अगर आपके पास एक मोल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मोल्स हैं, तो आप यहाँ पे माइनस एन आर टी कर देना. ओके, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा मोल्स बन रहे हैं वेपर के, ओके, गैस स्टेट के काफ़ी ज़्यादा मोल्स बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एन आर टी के आगे एन लगा दोगे, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है बेसिकली. तो सो यहाँ पे आपके पास डेल्टा यू क्या आ गया, डेल्टा एच माइनस आर टी. इस तरह से आप डेल्टा यू तीनों शब्द का निकाल सकते हो और फिर आप ऐड कर सकते हो, वो आपके पास नेट जो आपके रिएक्शन है उसका डेल्टा यू आ जाएगा. ओके, सो डेल्टा एच हमने निकाला, डेल्टा यू निकाला एंड डेल्टा एस, मेन तो डेल्टा एस है जो आपके पास मेन है, जिसके क्वेश्चंस आते हैं वो डेल्टा एस के क्वेश्चंस आते हैं. बट डेल्टा यू एंड डेल्टा एच भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी आ सकता है एंड आया भी हुआ है. जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन भी पहले आया ही हुआ है. इस क्वेश्चन में डेल्टा यू, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस तीनों ही पूछे गए थे. ओके, डेल्टा एस तो निकाल लेंगे, हमें डेल्टा एस तो मैंने पहले भी निकालना सिखा दिया आपको. ओके, बट डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कईयों को नहीं आता होता, क्योंकि डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कोई करवाता ही नहीं है, सब हम एंट्रोपी चेंज ही देखते हैं. बट आपको डेल्टा यू एंड डेल्टा एच भी पता होना चाहिए. डेल्टा एच हमने देखा फर्स्ट स्टेप का एंड थर्ड स्टेप का कैसे निकाल सकते हैं, हम सी पी डी टी से निकाल सकते हैं. एंड डेल्टा यू अगर आपने फर्स्ट स्टेप का निकालना है, सो लिक्विड से लिक्विड ही जा रहे हो, तो वो आपके पास डेल्टा एच के इक्वल ही हो जाएगा. अगर आपने थर्ड स्टेप का निकालना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, सी पी माइनस सी वी से, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर से आप सी वी की वैल्यू निकाल सकते हो. एंड सी वी डी टी से आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकते हो. अगर आपको सेकंड स्टेप का निकालना है तो आप डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर टी करके निकाल सकते हो. ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक. आज हमने किया इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एंट्रोपी चेंज देखा हमने इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन में. अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, तो प्लीज़ आप कमेंट के जरिए बता दो, या फिर आप मेल कर सकते हो chemicalanalysisnet@gmail.com. इस पर आप मुझे आपकी क्वायरीज, जो भी क्वेश्चंस में डाउट है, इसके अलावा आप क्वेश्चंस खुद भी प्रैक्टिस करके देखो. ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है ना, तो प्लीज़ मुझे मेल करिए, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए. थैंक यू.